नमस्कार, मनोदर्शिका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल को, जिसमें गुप्त काल का टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट है कि गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त हैं वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो आर्यभट्ट थे। गुप्त शासन के दौरान खगोल वैज्ञानिक भी थे और ये गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी, तो गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, तो समुद्रगुप्त की विजय पर भारत का नेपोलियन कहा था वी ए स्मिथ ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किया था, गुप्त वंश के जो राजा थे स्कंदगुप्त, उन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता गुप्त काल के टाइम में ही बनी थी। अजंता और अलोरा की गुफाएँ हैं, उनमें कलाकृतियाँ। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिन्हें हम कहते हैं विक्रमादित्य। नेक्स्ट है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, इम्पोर्टेंट है एरण अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्तकाल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फायान कहाँ का निवासी था, तो फायान थे चीनी यात्री। सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था, तो ये थे सेतुबंध का जिन्होंने रचना की वो परवर सेन सेकंड वाकटक वंश के शासक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है कविराज। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है, तो कहुम स्तंभ लेख में इनको स्क्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो बोधगया में। नेक्स्ट आता है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो शकों का उन्मूलन करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, तो शकों को पराजित करने के बाद में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी में। फायान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा, तो फायान और हेनसांग दो विदेशी यात्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन का शासनकाल देखा था। फायान ने देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और हेनसांग ने देखा था हर्षवर्धन का। धन्वंतरी थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो जो अजंता की गुफा है इसमें 16वां
सत्रहवीं और उन्नीसवीं, याद रखना है 16, 17 और 19वीं जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन के शासक का दरबारी कवि था, तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला भी अपने ऊंचे स्थान पर थी और साहित्य भी, ये दोनों क्या थे, चरमोत्कर्ष पर थे, इस वजह से इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का क्लासिकल युग। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो धमेख स्तूप का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठवा भाग। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो चंद्र की स्मृति में है। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है, तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसका अभिलेख है प्रयाग, उसमें हमें मिलता है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो गुप्त काल में स्त्रियां क्या थी, पुरुषों के बराबर थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो गुप्त। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएँ मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं, तो बागधार में है। जैसे अजंता की गुफाएं हैं उसी प्रकार से बागधार में है, मध्य प्रदेश में है ये अजंता की गुफाएं। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश का टाइम पीरियड है शासन करने का 319 से 500। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से ही। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है कि यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था, तो ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो उज्जैन है। अगर उज्जैन में आप कभी जाके देखते हैं तो जो मैन चौराहा है उसमें चंद्रगुप्त की क्या है, बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा है जिसमें वो क्या है, एक रथ पे बैठे हुए हैं चंद्रगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है, तो गुप्त युग को है। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है, तो वह है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो वह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो उनका नाम है राम गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की
तो धर्म विजय करने वाले थे समुद्र गुप्त। नेक्स्ट है कि सर्वराज जो छेत्ता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? सर्वरा जो छेत्ता वो धारण की थी समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन में करवाई गई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है स्कंदगुप्त ने करी थी। नेक्स्ट है कि महिर कुल का संबंध था, तो महिर कुल का संबंध था हुनों से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे तो मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी को धारण किया था। कुंतुबिरार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी उंगरोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वह है वाघ की गुफाओं में। नेक्स्ट आता है कि पुनर्वर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो उत्तर बंगाल में है। नेक्स्ट है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ये थे आपके गुप्त काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।